सो हाई एवरी वन, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। इस वीडियो में आप सभी को ICTS विभाग की ओर से जारी किए गए एक ऑफिशियल लेटर के बारे में जानकारी मिलेगी, जिसके मुताबिक ICTS विभाग ने सभी जिलों को ये लेटर जारी करके बताया है कि उसके अंतर्गत जितने भी कर्मचारी जो कॉन्ट्रैक्ट पर संविदा पर कार्यरत हैं, उनको जो है EPFO का अकाउंट खुलवा करके वहां पर जो है जो भी कंट्रीब्यूशन योगदान वगैरह है वो करना है। तो EPFO क्या होता है, किनको ये लाभ मिलेगा, पेंशन संबंधित इसमें जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो में देखेंगे, आपको पसंद जरूर आएगी, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो लेटर को जरा ध्यान से देखिएगा। EPFO के संबंध में ICDS विभाग बिहार सरकार की ओर से जो लेटर जारी किए गए उसकी पत्र संख्या 3622 और 25 जुलाई को लेटर जारी किया गया है। जारी करने वाले ICDS के डायरेक्टर, सभी जिलों के DPO और पूरे बिहार के CDPO को लेटर जारी किया गया है। अब नीचे आपको मैं जानकारी दूंगा कि आखिर EPFO क्या है, इसे पेंशन किस प्रकार संबंधित है, कौन से कर्मचारियों को फायदा देने की बात यहां पर की जा रही है, पूरी खबर देखिएगा। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो रिक्वेस्ट वही जो हमेशा रहती है, वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर कर दीजिएगा। देखिए, पत्र का विषय यहां पर लिखा गया है कि संविदा पर यानी कॉन्ट्रैक्ट पर ICDS विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत कर्मियों के कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPFO में राशि जमा करने के संबंध में अमाउंट, उनके लिए एक अलग अकाउंट खोला जाएगा। EPFO का अकाउंट होता है और इसमें जो काफ़ी फायदे होते हैं, जिन कर्मचारियों को इसका लाभ मिलता है उनके वेतन से कुछ पैसे काट के यहाँ पर जमा किए जाते हैं और कुछ पैसे सरकार की ओर से जमा किए जाते हैं, और रिटायरमेंट के समय उनको अच्छा खासा लाखों रुपये मिलता है और पेंशन भी मिलता है। तो पूरी तरीके से फायदे वाली चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर लिखा गया संविदा पर कार्यरत कर्मियों के, अब कर्मी में यहाँ पर आंगनबाड़ी वर्कर्स की बात है या नहीं है, नीचे हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। लिखा गया महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि निदेशालय के विभिन्न पत्रांकों, एक जो है 26 मार्च 2019, फिर 9 मई 2019, फिर 30 मई 2019 के द्वारा संविदा पर कार्यरत कर्मियों के कर्मचारी भविष्य निधि खाता में राशि आदि जमा करने के संबंध में विस्तृत रूप से निर्देश निर्गत किया गया है। तीन तीन बार इस निर्देश को निर्गत किया गया है कि कर्मचारियों का खाता खोला जाए, उनको जो अलग से पैसा जमा किया जाए ताकि रिटायरमेंट के समय उनको फायदा हो। उक्त के आलोक में निदेशालय को संज्ञान में लाया गया है कि कतिपय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं CDPO के द्वारा संविदा कर्मचारियों की EPF की राशि संबंधित खाते में जमा नहीं करते हुए संबंधित पदाधिकारी अपने खाते में रख रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर आ रही है। निदेशालय का बार बार आदेश है कि इसको जमा किया जाए, लेकिन बहुत सारे पदाधिकारी उस पैसे को अपने खाते में ही रख रहे हैं, जो स्वस्थ परंपरा नहीं है। इस संबंध में बताया गया है कि बैंक द्वारा संबंधित पदाधिकारी से विभाग का ई प्रधिकार उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में आप सबको निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर से इस मामले का अन्य कार्यों की भांति निष्पादित करते हुए संबंधित कर्मियों के EPF खाता में राशि जमा करना सुनिश्चित किया जाए, इसे उच्च प्राथमिकता दी जाए। यहाँ पर 27 तारीख का डेट और ICDS के डायरेक्टर का सिग्नेचर देखने को मिल जा रहा है। अब देखिए, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि यहाँ पर कर्मचारियों की बात की जा रही है, लेकिन कर्मचारी में कहीं भी सेविका या सहायिका या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर या फिर लेडी सुपरवाइजर या फिर किसी भी कर्मचारी का जो पदनाम है वो नहीं दिया गया है। अब यहाँ से क्लियर मालूम नहीं चलता है कि सेविका को यहाँ पर EPF का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, सहायिका को मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर ये लाभ मिलता है तो आपको फ्यूचर में रिटायरमेंट के समय काफ़ी फायदा होने वाला है, क्योंकि अमाउंट सरकार की ओर से और आपके वेतन मानदेय से भी काट करके हर महीने इसमें जमा होता है और एक बड़ी राशि आपको रिटायरमेंट के समय मिलती है और कभी कभी पेंशन भी कुछ लोगों को मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्लियर नहीं है, इसलिए मैं क्लियर नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपके ICDS ऑफिसेज के संबंध में कोई सूचना मांगी जाए, कुछ डॉक्यूमेंट मांगी जाए, तो आप प्रोवाइड जरूर कराएं। अगर ICDS की ओर से इसका कोई लेटर आता है तो मैं आपको क्लियरली समझाने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद है वीडियो जानकारी मिलेगी, वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।